Hi everyone, welcome to the next lecture of the internal reconstruction. Internal reconstruction में three part है, मैंने already समझा दिया है video number one में, नहीं मिला तो उसका link description में दिया हुआ है. Internal reconstruction का मैं shortcut पहले concept बताता हूँ क्या है करना है. देखो balance sheet तो देखा है ना आपने, balance sheet तो आपको एक balance sheet देंगे. balance sheet में इधर होता है assets, इधर होता है लायबिलिटी. एसेट्स और लायबिलिटी इतना समझो शॉर्टकट. एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है. दो ही तो होते हैं डेबिट और क्रेडिट, तो एसेट्स ना बच्चो डेबिट होता है. अब आपको रूल्स के यहां ध्यान देना है, इसमें दो सिचुएशन हो सकते हैं, जो एसेट साइड होता है वो डेबिट होता है. अगर उसमें दो बातें, अगर उसको इंक्रीज करना है, क्या करना है सर, इंक्रीज करना है या उसको डिक्रीज करना है. अगर आपको उसको इंक्रीज करना है तो एसेट्स कौन सा होता है, डेबिट. उसको इंक्रीज करने के लिए फिर से आप डेबिट ही करने का, एसेट डेबिट होता है, उसको इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, उसको डेबिट करने का. एसेट्स डेबिट होता है, कभी कभी बोलेंगे क्वेश्चन में इसको डिक्रीज करो तो आप उसको क्या करना, क्रेडिट करने का. पहला पॉइंट समझा, एसेट्स डेबिट होते हैं, उसको इंक्रीज करने के लिए आप उसको डेबिट करने का. एग्जांपल सोचो कोई एसेट्स है जिसको अमाउंट उसको इंक्रीज करना है, एक एसेट्स है जिसका अमाउंट इंक्रीज करना है, तो ऐसा केस में एंट्री हम क्या पास करेंगे, ऐसा केस में एसेट्स को इंक्रीज करना है ना स्टूडेंट, तो डेबिट करना पड़ेगा, तो एसेट्स को डेबिट कर देगा. तो एंट्री पास करूंगा जैसे फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. क्लियर, एंट्री क्या पास करूंगा. अगर एसेट्स को इंक्रीज करना है कोई भी एसेट्स को, तो एंट्री क्या पास करोगे, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि एसेट डेबिट होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम डेबिट करेंगे. सिमिलरली अगर एसेट्स को क्वेश्चन में बोला रहेगा बच्चों डिक्रीज करो, तो एसेट्स होते हैं डेबिट, उसको कम करने के लिए हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या पास करेंगे इस केस में, मतलब एसेट्स को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, तो सर डेबिट किसको करूं, कैपिटल रिडक्शन को, कैपिटल रिडक्शन को. तो एंट्री क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स. दो पॉइंट समझा, एसेट्स डेबिट होता है, इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना. ओके, सिमिलरली अब आते हैं लायबिलिटी. लायबिलिटी जो होता है ना क्रेडिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, सिमिलरली लायबिलिटी क्रेडिट होता है. अगर उसमें इंक्रीज करने बोल देंगे, क्या बोलेंगे, इंक्रीज करो, या ऐसा भी बोल सकते हैं लायबिलिटी को डिक्रीज करो. अगर स्टूडेंट लायबिलिटी को इंक्रीज करने बोलते हो, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट करने का. सुन रहे हैं, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए आप उसको क्या करना, क्रेडिट करना. अगर क्वेश्चन में बोल दिया आपको कि लायबिलिटी को डिक्रीज करो, तो क्या करना, उसको डेबिट कर देना. तो सर इस तरह इसमें एंट्री क्या पास करेंगे, सोचो कोई क्रेडिटर है और लायबिलिटी बढ़ गया, क्रेडिटर का लायबिलिटी बढ़ गया. एग्जांपल एक क्रेडिटर है 10,000 देना था, अब इसको 12,000 देना है, तो 2,000 ज्यादा देना है, तो लायबिलिटी को इंक्रीज करना है. लायबिलिटी क्रेडिट साइड, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर उसको इंक्रीज करना है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. तो एंट्री क्या पास करेंगे इस सिचुएशन में सर, लायबिलिटी को बढ़ाएंगे ना, तो लिखेंगे टू लायबिलिटी, जो भी रहेगा लायबिलिटी. तो डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट करेंगे कैपिटल रिडक्शन को. तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी. ओके, कभी कभी क्वेश्चन में बोला रहेगा लायबिलिटी को डिक्रीज करो, तो लायबिलिटी क्रेडिट होता है, उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे. लायबिलिटी क्रेडिट होता है, कभी कभी क्वेश्चन में बोला रहेगा लायबिलिटी को डिक्रीज करो, तो लायबिलिटी क्रेडिट होता है, उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. तो उसको कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या पास करेंगे, तो लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को. ये पॉइंट याद रहेगा आपको एग्जाम में. फिर से बोलता हूँ, एसेट डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, बस इतने याद रखें.
एसेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट कर देना, एसेट्स को कम करना है क्रेडिट कर देना। सिमिलरली लायबिलिटी क्रेडिट होता है, अगर लायबिलिटी को बढ़ाना है तो लायबिलिटी क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी को कम करना है तो लायबिलिटी को डेबिट कर दो। ओके, सेकेंड रूल देखो स्टूडेंट, टू और वाई का बहुत मतलब होता है, एक बार टू और वाई का मतलब समझ गया तो चैप्टर एकदम ईजी है। तो सुनो ध्यान देना, वाई का मतलब क्या होता है, टू का मतलब क्या होता है। सोचो बैलेंस शीट में एसेट इतना दिया है, फिक्स एसेट्स ये बैलेंस शीट में दिया है, अभी एडजस्टमेंट में लिखा है नाउ इट इज रिड्यूस बाय, बोला है बाय 20,000। जब भी कभी बोलेगा ना रिड्यूस बाय 20,000, इसका मतलब एसेट्स उतना से कम करने का। लिख देता हूं, बाय मतलब उतना से कम करना, एसेट्स 1,00,000 का है और क्वेश्चन में बोला है एसेट रिड्यूस बाय 20,000 मतलब उतना से कम करना, तो एंट्री क्या आएगा इस केस में, इस केस में मतलब क्या बोल रहा है, एसेट्स बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स अभी कितना दिख रहा है, 1,00,000 दिख रहा है, बैलेंस शीट अभी कितना शो करना है, न्यू बैलेंस शीट में बैलेंस शीट अभी कितना शो करना है, बोलता है 20,000 से कम करो, रिड्यूस बाय, रिड्यूस बाय मतलब उतना से कम करने का, तो बैलेंस शीट में कितना शो होगा अभी 80,000 दिखाई दे रहा है। फिक्स एसेट्स कितने का सर, 1,00,000 का, रिड्यूस बाय बोला ना 20,000 तो 20,000 से कम कर दो, तो बैलेंस शीट में एसेट्स कितना दिखाई देगा 80,000। तो सर इस केस में एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री आएगा एसेट्स को कम किया ना तो एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, सर डेबिट किसको करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को, तो एंट्री क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, सर कितना से कम किया हमने एसेट्स को 20,000 से। बोलो समझा, फर्स्ट वाला सिचुएशन समझा, अब सिखाता हूं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या बोला, सेम सिचुएशन, फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, 1,00,000 का दिख रहा है, अगर एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा होगा नाउ इट इज रिड्यूस 2 बोला है, सर 2 का मतलब है क्या होता है, बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है, नाउ इट इज रिड्यूस टू 20,000 मतलब बैलेंस शीट में 20,000 शो करना है, मतलब सेक्रीफाइस कितना हुआ, एसेट्स कितने से कम हो गए, इसका मतलब 80,000 से, 2 का मतलब था बैलेंस शीट में शो करना है, बाय का मतलब उतना से कम करना है, ठीक है। तो ऐसा केस में क्या होगा, जैसे अभी बैलेंस शीट में आपको फिक्स एसेट्स कितना दिखाई दे रहा है आपको सर, 1,00,000 दिख रहा है ना, लेकिन अभी क्या बोलता है बैलेंस शीट में कितना शो करना है, 20,000 शो करना है, ये आपका न्यू बैलेंस शीट जो बनाएगी उस पर दिखाई देगा, इसका मतलब सेक्रीफाइस कितना हुआ इस केस में, 80,000 हुआ, कितना हुआ 80,000। तो ऐसा केस में एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, कितना से सर 80,000 से। ऐसे में दोनों पार्ट समझ में आया, फिर से बोलता हूं, देखो दोनों सेम सिचुएशन है, बस एक में बाय लिखा है एक में टू लिखा है, दोनों सेम सिचुएशन है, एक में बाय लिखा है एक में टू लिखा है। फिर से बोल देता हूं, एसेट 1,00,000 का था, नाउ इट इज रिड्यूस बाय 20,000, बाय मतलब उतना से कम कर देना, तो 1,00,000 था, 20,000 से कम कर दो तो बैलेंस शीट में एसेट्स कितना दिखेगा, 80,000, तो 20,000 जो कम किए हो उसका एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। सिमिलरली एसेट्स 1,00,000 का था, लिखा है नाउ इट इज रिड्यूस टू 20,000, 2 मतलब बैलेंस शीट में उतना शो करना आपको, इसका मतलब सेक्रीफाइस कितना हुआ, कम कितना किया, एसेट्स कितना से कम किया, 1,00,000 का एसेट था, रिड्यूस टू 20,000 मतलब उतना बैलेंस शीट में शो करना है, तो कम कितना किया 80,000, एंट्री है कैपिटल रिडक्शन टू फिक्स एसेट। वीडियो नंबर 1 में जो कंसेप्ट समझाया था एज्यूम करता हूं आपको याद रहेगा, थोड़ा मैं रिकॉल कर देता हूं, बैलेंस शीट देंगे आपको, एसेट डेबिट होते हैं, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, एसेट डेबिट है अगर उसको इंक्रीज करना है तो एसेट्स को डेबिट करना, अगर उसको डिक्रीज करना है तो एसेट्स को क्रेडिट करना, ऐसी लायबिलिटी क्रेडिट होता है, अगर उसको इंक्रीज करना है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करने का, अगर उसको डिक्रीज करना है तो लायबिलिटी को डेबिट करना। बैलेंस शीट दिया है, एसेट साइड गुडविल, लैंड, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड कंपनी के पास हैवी लॉस है 4,00,000 रुपीज का। लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 8,00,000, मतलब कितना शेयर्स होंगे 80,000 इक्विटी शेयर्स होंगे, 80,000
इंटू 10 8 लैक्स, 9% प्रेफरेंशियल ऑफ 10 इज फुली पेड अप 4 लैक्स, मतलब प्रेफरेंशियल कितने होंगे 4 लैक्स डिवाइड बाय 10 करोगे तो आंसर आएगा 40,000, 10% डिबेंचर 5 लैक्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द अमाउंट डिबेंचर 50,000, मतलब कंपनी ने डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट नहीं पे किया, अनसिक्योर्ड लोन है 75,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, सन्ड्री क्रेडिटर 60,000, बैलेंस शीट हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट क्या किया। द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्रीड अमंग ऑल द स्टेक होल्डर एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट व्हिच इज एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट टू बी फुल्ली रिटर्न ऑफ। इंटेंजिबल कौन गुडविल और फिक्टिशियस कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको राइट ऑफ करना है। जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे एंट्री पास करेंगे, एसेट डेबिट होता है उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू पीएनएल अकाउंट। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू 4 ईच, मतलब इक्विटी शेयर 10 रुपीज का है, अभी बैलेंस शीट 2 मतलब बैलेंस शीट में शो करना है, अभी कितने का शो करना है 4, तो इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना सैक्रिफाइस किया 6 पर शेयर। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर वेव 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर 50% अपना इंटरेस्ट सैक्रिफाइस कर दिया, वेव कर दिया, वेव मतलब वो लोग बोलने के लिए तैयार है अपना ड्यूज। तो डिबेंचर होल्डर वे 50% आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 80% अनसिक्योर्ड लोन रिड्यूस बाय 40%, बाय मतलब उतना से कम करने का, बाय मतलब उतना से कम करने का, टू मतलब बैलेंस शीट तो उतना शो करना है। डायरेक्टर गिव 30,000 टू द कंपनी ऑन नॉन रिफंडेबल बेसिस। डायरेक्टर ने 30,000 लोन दिया और बोला हमको वापिस नहीं देना, इसका मतलब ये पैसे कैपिटल रिडक्शन में घुमा देंगे, एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। प्लांट मशीनरी रिड्यूस टू मतलब बैलेंस शीट में 120,000 शो करना है, तो बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी कितना दिख रहा है, बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी 4 लाख है, अभी कितना शो करना 120, तो प्लांट मशीनरी कितना से कम करना है 2,80,000 से कम करना है। नेक्स्ट, स्टॉक एंड डेटर को भी कम करना है। फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 63,000, लैंड एप्रिशिएट करना 300% से, देर इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स विच वर सोल्ड फॉर 20,000, पूरा का पूरा प्रॉफिट है क्योंकि अनरिकॉर्डेड है ना, बैलेंस शीट में इसका वैल्यू जीरो है और जीरो का चीज 63,000 है बेचा तो 100% प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट पूरा कैपिटल रिडक्शन में घुमाएंगे, एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। प्रेफरेंशियल रिड्यूस टू 6 ईच, मतलब सैक्रिफाइस कितना किया प्रेफरेंशियल होल्डर लोग ने 4 पर शेयर। 50% सन्ड्री क्रेडिटर रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ बुक वैल्यू, सन्ड्री क्रेडिटर ने भी अपना कुछ सैक्रिफाइस किया। नीचे लिखा प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग बनाने जा रहे हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ध्यान देना, तो हम एक लेजर बनाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और ध्यान रखना अगर आपको लगता है लॉस है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, डेबिट ऑफ द एक्सपेंस एंड लॉस, अगर लॉस होगा तो डेबिट में लिख दो, अगर प्रॉफिट रहेगा डेबिट ऑफ द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑफ द इनकम एंड गेन, इट इज सेम एज पीएनएल अकाउंट, समझना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही है, लेकिन ये लाइफ में वन टाइम बनाते हैं इसीलिए हम लोग ये लीजिए का नाम लिखते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो अगर आपको लगता है लॉस हो रहा है तो डेबिट में करो, अगर आपको लगता है इनकम है प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिखना, ठीक है। तो कॉलम का नाम क्या लिखेंगे, यहां लिख देना पर्टिकुलर्स और रुपीस कॉलम, पर्टिकुलर्स और रुपीस कॉलम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, अब बैलेंस शीट भी दिखते जाओ। पॉइंट नंबर 1, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करना है। एसेट्स बोला सर ने डेबिट होता है, एसेट डेबिट होता है, उसको कैंसिल करने के लिए एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को, तो एंट्री क्या आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो कैपिटल रिडक्शन का डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल, इसको राइट ऑफ किया ना हमने, तो गुडविल कितना राइट ऑफ किया 4,50,000। ओके और क्या राइट ऑफ किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ किया, कितना था वो 4,00,000। फर्स्ट समझ में आया, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने इसको राइट ऑफ कर दिया, एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू
तू मतलब बैलेंस शीट में शो करना है तो 10 रुपीज का शेयर अभी 4 रुपीज शो करोगे तो सेक्रीफाइस कितना हुआ इक्विटी शेयर होल्डर ने, 10 रुपीज का शेयर अभी 4 रुपीज शो कर रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना सेक्रीफाइस किया, 6 पर शेयर। तो एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल जूनो अलग एंट्री दिखा देता हूँ आप नोट कर लेना। एंट्री क्या आता है इसका, एंट्री आता है इक्विटी शेयर कैपिटल जूनो वाला कैंसिल करेंगे, क्यों मालूम है इसका फेस वैल्यू चेंज हुआ है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जूनो वाला 10 रुपीज का है वो पूरा कैंसिल करेंगे 8 लाख का, उसके बदले में हम नया शेयर इशू करेंगे। नया शेयर कितने का इशू करेंगे, नया शेयर 4 रुपीज का होगा, तो बाकी पैसा किधर घुमाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कैसा आएगा, 8 लाख डिवाइड बाय 10 80,000, तो 80,000 इंटू 4 करो आंसर आएगा 3,20,000, और बाकी पैसा किधर घुमाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना जाएगा 4,80,000। क्लियर एंट्री, इक्विटी चुना वाला शेयर कैंसिल कर देना, उसके बदले नया शेयर इशू करेंगे और बाकी पैसा किधर घुमाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। इस एंट्री का पोस्टिंग करने के लिए इसी का पोस्टिंग करेंगे ना, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 6 करेंगे अमाउंट 4,80,000। क्लियर एंट्री कैसा आया। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर होल्डर वेव्ड, वेव मतलब वो लोग भूलने के लिए तैयार है, 50% होता है इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, तो एंट्री आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट, एंट्री आएगा इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, तो क्रेडिट से लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अक्रू ऑन डिबेंचर। अच्छा इंटरेस्ट कितना अक्रूड था, 50,000 था ना, पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किया क्यों लोगों ने, नहीं 50,000 का 50% वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 50,000 का 50% आंसर 25,000। ओके नेक्स्ट एजेशन नंबर 4, 80% ऑफ द अनसिक्योर लोन रिड्यूस बाय 40%, अनसिक्योर लोन का 80% पहले निकाल लेगा, तो अगर लाइबिलिटी कम हो रहा तो अपना इनकम है, तो क्रेडिट से लिखेंगे बाय अनसिक्योर्ड लोन, लेकिन अमाउंट कैसे निकालने का, लोन का अमाउंट कितना बैलेंस शीट में 75,000 है ना, 75,000 का पहले 80% निकालने का, ठीक है, इंटू 80% ऑफ द अनसिक्योर लोन रिड्यूस बाय 40%, बाय मतलब उतना से कम करने का, तो 40% से कम करना है, 75,000 इंटू 80% इंटू 40% इतना से अनसिक्योर लोन कम करना है, तो कितना आएगा 24,000। ओके नेक्स्ट एजेशन नंबर फाइव पढ़ते हैं, डायरेक्टर गिव 30,000 टू कंपनी ऑन नॉन रिफंडेबल बेसिस, मतलब बैलेंस शीट में शो नहीं करना है लोन, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट है कंपनी का, एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, तो लिखेंगे बाय कैश, कहां से आया, डायरेक्टर ने लोन दिया, डायरेक्टर लोन कितना लोन दिया डायरेक्टर ने, 30,000 का लोन दिया। ओके नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 1,20,000, प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई, इसी कंपनी का लॉस है, तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होता है, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 1,20,000, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कितना दिख रहा है 4 लाख ना, तो 4 लाख का बैलेंस शीट में दिख रहा है, 1,20,000 बैलेंस शीट में शो कर रहा है, तो कितना से प्लांट एंड मशीनरी कम किया हमने, आंसर 2,80,000। एंट्री क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। एडजस्ट नंबर 7 देखो, स्टॉक एंड डेटर रिड्यूस बाय मतलब उतना से कम करने का, तो स्टॉक कम करना है, इससे कंपनी का नुकसान है, तो स्टॉक कितना से कम किया 50,000 से, डेटर भी कम करना है कितना से 20% से, तो डेटर 20% से कम करना है, तो 80,000 का 20% आंसर आएगा 60,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग एडजस्ट नंबर 8 देखो, फर्नीचर एंड फिटिंग रिड्यूस बाय 63,000, बाय मतलब उतना से कम करना है, टू फर्नीचर कितना से कम करेंगे, डायरेक्ट आंसर दिया है 63,000 से कम करना है,
लैंड एप्रिशिएट करना है 300% से, तो लैंड इंक्रीज करना है तो एसेट डेबिट होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए फिर से डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या आएगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, तो इसका पोस्टिंग माय लैंड। अच्छा लैंड बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, 3 लाख दिख रहा है ना, तो 3 लाख को 300% से बढ़ाने का, परसेंट निकालना उसका, तो 3 लाख का 300%, 3×3=9, आंसर 9 लाख। नेक्स्ट, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट व्हिच वाज सोल्ड फॉर 20,000। एक एसेट जिसका बैलेंस शीट में वैल्यू जीरो है, जीरो का चीज 20,000 में बेचा आपने, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट है। ये स्पेशल चैप्टर है, कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है ना, सब कैपिटल रिडक्शन में घुमाने का। तो लैंड बेचा, एक एसेट बेचा आपने, उसमें 20,000 भी लाना, सब टाइम कैपिटल रिडक्शन में घुमाना। तो एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, तो बाय बाय बैंक, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कितने में सोल्ड किया, 20,000 का सोल्ड किया। ओके नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स, सुनो, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 6 each, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 6 each। प्रेफरेंस शेयर पहले 10 रुपए का था, अभी 6 रुपए शो कर रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो लिखेंगे बाय कितना परसेंट, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा बैलेंस शीट में देखो 4 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो आंसर आएगा 40,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कितना सैक्रिफाइस किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर देखो एडजस्टमेंट किया था, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 6 ना, तो उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया, 4 पर शेयर, तो 40,000 × 4 कंपनी का प्रॉफिट है। डेबिट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑफ इनकम एंड गेन, अगर आपका लायबिलिटी कम हो रहा है तो आपका इनकम है, तो 40,000 × 4 आंसर 1,60,000। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 50% ऑफ द सैलरी क्रेडिटर रिड्यूस टू द एक्सपेंस ऑफ 50% बुक वैल्यू, क्रेडिटर ने सैक्रिफाइस किया, तो लायबिलिटी क्रिएट होता है, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, तो एंट्री है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट से लिखेंगे बाय क्रेडिटर। अच्छा अमाउंट कैसा आएगा, बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर कितना दिख रहा है आपको, 60,000 ना, 60,000 का पहले 50% निकालने का, क्योंकि 50% वाले लोगों ने सैक्रिफाइस किया, तो 50% का क्रेडिटर रिड्यूस टू द एक्सटेंड ऑफ 50%, रिड्यूस टू कितने से कम करना है, 50% से कम करना है 15,000, 60,000 का 50% उसका 50%, तो क्रेडिटर ने कितना सैक्रिफाइस किया, 15,000 ऑलमोस्ट सब एडजस्टमेंट हो गया। ये स्टेज पे टोटल करेंगे, ये स्टेज पे टोटल करेंगे, तो टोटल कर लेते हैं 4,80,000 प्लस 25,000, 4,80,000 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 160 प्लस 15, टोटल आता है 16,54,000, 16,54,000, ये टोटल यहां लिखेंगे 16,54,000, इसमें सब माइनस करेंगे, माइनस 450, माइनस 400, माइनस 280, माइनस 15, डिफरेंस आता है 4,30,000 का। ये कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट किधर घुमाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। जब आप टैली करोगे हमेशा डिफरेंस इस साइड ही आएगा, इस साइड आएगा तो समझना रॉन्ग सॉल्व की हो, इस साइड डिफरेंस आएगा तो समझना प्रॉफिट है, मतलब इंटर रिकंस्ट्रक्शन का जो स्कीम, इंटर रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर हमने किया, इसमें कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, 4,30,000 का। ओके एज्यूमिंग समझ में आया लेक्चर अच्छे से, एज्यूमिंग समझ में आया वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।